हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कुछ एक्चुअली रॉयल रंबल का सेट ट्रॉपिकाना फील्ड में। तो एक कस्टम मेड हम लोग एरिना यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोज़ आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग को मिलते रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग का, बस उसे जो लाल बटन है उसे दबाकर एक सपोर्ट मेरे लिए कर देना है। और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो आप लोग को सॉरी मुझे जो वीडियो है वो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, एंड एंड मेरा वीडियो भी थोड़ा वायरल हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग से भीख मांग रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरिना टेम्पलेट नहीं देने वाले हैं एक्चुअली हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले वेन्यू को यहाँ पर हम लोग इंडोर आउटडोर ही रहने वाला है, तो हम लोग भाई यहाँ पर आउटडोर स्टेडियम टाइप में ही करेंगे। लार्ज आउटडोर स्टेडियम, लार्ज आउटडोर स्टेडियम 1, तो इसी टाइप का अरिना हम लोग चूज़ करने वाले हैं। जैसे रियलिस्टिक में रहेगा आई थिंक उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जो रॉयल रंबल का स्टेज है उसी तरीके से हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ PLE प्रीमियम लाइव इवेंट, जो PLE का फुल फॉर्म होता है, तो ऑब्वियसली PLE ऑडियंस जो यहाँ पर सेट करते हैं हम लोग। एंड WWE डिज़ाइंस नहीं, यहाँ पर एरिना इमेज में जाते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द रॉयल रंबल बैज स्टिकर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, एंड स्टील बम्प्ड, तो इट इज़ सेट। एंड नाइट ही रहेगा ऑब्वियसली। तो एक बार आप लोग को ये वेन्यू में रॉयल रंबल के स्टेज जो है वो ऑन करके भी दिखा दूंगा। टोटल कंप्लीट होने के बाद सैटेलाइट व्यू भी आप लोग को ज़रूर दूंगा मैं। तो यहाँ पर टाइम ऑफ डे प्रीव्यू नाइट भी रहेगा यहाँ पर, मैं हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे कुछ। एंड कैमरा एंगल थोड़ा यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि व्यू जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये ठीक है, कैमरा एंगल नंबर 1। मूवीज़ एंड लाइटिंग, यहाँ पर मेन मेन्यू हम लोग सॉरी पहले स्टेज कंस्ट्रक्शन ठीक कर लें, उसके बाद जो हम लोगों का मेन्यू है वो तो ऑन ही रहेगा। या फिर डाल सकते हैं मूवीज़ एंड लाइटिंग, हम लोग मेन मेन्यू यहाँ पर रॉयल रंबल डाल देते हैं यहाँ पर। इट विल बी ग्रेट फॉर क्रिएटिंग। वेयर इज रॉयल रंबल, अरे यार रॉयल रंबल कहाँ गया? ये रहा रॉयल रंबल, टाइटेरियन मूवी, टाइट्रॉन मूवी जो है सब चीज़ यहाँ पर, वॉल लेफ्ट मूवी यहाँ पर सब देंगे, रिंग मूवी, रॉयल रंबल, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग रॉयल रंबल का स्टेज क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइम लगेगा, लेकिन जो सेट है उसे बहुत बेहतरीन बनाना है, तो इट विल रियली गुड। एंड रिंग पोस्ट मूवी आ रहेगा, विजुअल कंडीशन, इलेक्ट्रिक बोर्ड मूवी, रॉयल रंबल ऑब्वियसली। स्टेज कंस्ट्रक्शन में अब जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेज डिज़ाइंस देख लेते हैं क्या यहाँ पर बेहतरीन कुछ है या फिर नहीं। तो मुझे यहाँ पर तो फिलहाल कुछ बेहतरीन नहीं लगा है, तो हमें खुद का ही कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेज कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, एंड कैमरा एंगल थोड़ा यहाँ पर हम लोग जूम आउट करते हैं, ताकि हम लोग को जो व्यू है थोड़ा और अच्छा मिल सके यहाँ पर। टाइट्रॉन मूवी जो है यहाँ पर टाइट
ये टाइटरॉन जो है वो हटाना है, एंड ऑब्वियसली PLE है पीछे, ऑडियंस तो है, तो वी हैव टू मैनेज ए मिनीट्रॉन। मिनीट्रॉन कुछ रखते हैं यहाँ पर, मिनीट्रॉन में कौन सा ठीक रहने वाला है? आई थिंक ये ठीक रह सकता है क्या? यस आई होप इट विल बी ग्रेट, क्योंकि पीछे जो ऑडियंस है वो भी हम लोग को देखना है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो हमें पूरी अच्छी तरीके से व्यू जो है वो ले पाए यहाँ का भी। तो वी हैव टू डू, और थोड़ा बैक कर देंगे यहाँ पर हल्का सा। हाँ अब ठीक है, नाउ इट्स गुड। हेडर में हम लोग फिलहाल जो है यहाँ पर लाइटनिंग का काम जो है इसको हम लोग थोड़ा और फोकस करने की कोशिश में थोड़ा और ठीक देना होगा यहाँ पर। आई थिंक हेडर में हमें स्क्रीन देना चाहिए, क्योंकि रॉयल रंबल का जो स्टेज है आई थिंक में उसको यहाँ पर प्रीव्यू मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे ऑब्वियसली हम लोग और कुछ नहीं देने वाले हैं। तो आई थिंक कि हमें हेडर में ये देना चाहिए, एंड कैमरा एंगल एक बार दूर से देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में ये लगता कैसा है। इस टाइप का आई थिंक कभी कोई स्टेज नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ पर जो है फुल्ली इसको हम लोग देने वाले हैं, बट यहाँ पर आई थिंक कि इट विल नॉट सूट, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल रंबल का जो स्क्रीन है वो LED नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। कैमरा एंगल चेंज करेंगे यहाँ पर, लेट अस सी हाउ इट्स वर्क। नीचे एक बार हम लोग को अच्छे तरीके से इसको सेट करना है, एंड इसे इतने में सेट करना है, इसीलिए इस शेड को ही ऊपर लाना है हम लोग को, पूरे ऊपर में अच्छे से लाएंगे, इतना ऊपर रखना है वो थोड़ा कैमरा जो एंगल है उसे थोड़ा स्पीड करना होगा। दूर करना होगा यहाँ पर, कितना किस पोजीशन पे हम लोग को रखना है, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे? ओ सॉरी, अरे यार थिंक इस पोजीशन में ठीक हो सकता है, पर ये मुझे कुछ खास जच नहीं रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स रहे। आई थिंक यहाँ पर ये स्क्रीन LED वाला हो सकता है, यस चलो ये LED स्क्रीन है, तो ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसे चूज़ करूँगा कि थोड़ा ऊपर हो पाए ये। थोड़ा बैक करेंगे और थोड़ा ऊपर इसे सेट कर देंगे, इट विल लुक वेरी ऑसम नाउ, एंड हम लोग दूर से भी इसका जो नज़ारा है वो लेंगे ज़रूर। हेडर में कुछ और हम लोग सॉरी हेडर हो चुका है, एंड यहाँ मिनी ट्रॉन जो है वहाँ पर कुछ और कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल सकता है क्या? ऐसा एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, कुछ और भी बेहतर अगर मिल जाए तो, बट आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर फ़िलहाल और कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये ठीक है जो ऑलरेडी हमने लगा रखा है। वॉल लेफ्ट में हम लोग स्क्रीन भर सकते हैं, स्क्रीन्स अगर कुछ है अच्छा तो उसे ऐड करेंगे। पर आई थिंक कि यहाँ पर कुछ बेटर नहीं है, तो हम लोग जो हेडर है उसे क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक वो बहुत भद्दा लगेगा। एक कैमरा वर्क से अगर देखें दूर से,
तो बीच में हम लोग, हमें खाली सा नज़र फील हो रहा है हमें, तो आई थिंक कि मुझे ये चीज़, थिंक ये मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक अन इनकम्प्लीट फील हो रहा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, हेडर ये वाला हटा देता हूँ। हेडर वगैरह हमने हटा दिया, स्टेज अनाउंसटेबल तो है नहीं, स्टेज प्रॉप्स हम लोग ज़रूर से लगाएंगे, बिकॉज इट्स रॉयल रंबल, WWE का साइन हम लोग लगाएंगे। स्टेज लेफ्ट एरिया में रहता है एक्चुअली ये, तो वी विल कीप दिस ऑन लेफ्ट साइड, थोड़ा सा क्लोज यहाँ का करेंगे, एंड इट्स सेट। स्टेज प्रॉप्स क्या हम लोग यहाँ और लगा सकते हैं या फिर नहीं? इसे सही से प्लेसमेंट करना है ताकि जो हमारा स्टेज है वो बेटर लगे। We are adding more tools. ये चीज हमने पहला बार देखा है, स्टेज राइट एरिया। लेट्स सी इफ दिस कुड मेक एनी गुड सेंस। वाह, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बेटर लुक यहाँ पर प्रेजेंट करेगा बैक साइड में अगर रहता है तो, क्योंकि ये एंट्रेंस गेट टाइप लग रहा है, तो मुझे इस चीज़ को प्लेसमेंट करने में थोड़ा ज़्यादा खुशी होगा एंड थोड़ा रियलिस्टिक फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो है जहाँ एंटर करने के लिए, आई थिंक है यहाँ पर। कलर ऑप्शन सिर्फ नहीं है यहाँ पर, ये आखिर क्या है? जेन्युइन पार्ट्स नहीं है तो स्टेज को एक बेटर वे में मुझे दिखाना है, सो इसलिए मैं ये सब चीज़ जो है ये ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू फील दिस इन वेरी बेटर वे। इतने में आई थिंक ये ठीक था। यस, अब ठीक है, एंड आई थिंक वी आर नाउ रेडी। लिटिल बिट मोर आई थिंक कुछ ऐड करना बनता। कुड वी मेक दिस वेरी इम्प्रेसिव? आई थिंक कि अगर ये लुक थोड़ा और हैवी हो जाए, नहीं आई थिंक ये बहुत भद्दा सा हो जाएगा। आई थिंक इट्स ओके इन दिस। एंड स्टेज लाइटनिंग जो है, ऑल ग्रुप्स हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मुझे चाहिए रेड,
ओनली देयर इज फर्स्ट ग्रुप, तो चलो यहाँ पर इट्स ओके एंड स्टेज कंस्ट्रक्शन हो गया, स्टेज डिस्प्ले हो गया है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं रिंग के पास और एप्रोन जो है हमें फ़िलहाल यहाँ पर ब्लैक शेड्स में देना होगा। एंड इट्स ओके, एलईडी डिस्प्ले मूवी इट्स ओके, रूफ वाइट है, वाइट आई थिंक वाइट ठीक ही रहेगा, पर थोड़ा और लाइटनिंग इसमें दे देते हैं वाइट में, इट्स ओके, ऑल रूफ्स आर वाइट, रिंग पोस्ट एलईडी नॉर्मल एलईडी रिंग पोस्ट ठीक है, मेटल पोस्ट एलईडी पैनल मूवी मेटल पोस्ट, यहाँ पर हमें एक्चुअली पैटर्न यहाँ पर करना है कुछ, इमेज कलर रेड करना होगा यहाँ पर, स्टील आई थिंक यहाँ पर ठीक नहीं लगने वाला है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा लाइट कलर में करेंगे ताकि जो जो कलर शेड्स है जो एलईडी पैनल का उसमें थोड़ा मैच खाए, तो इस हिसाब से ठीक है। यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर हमें स्टील टाइप का देना पड़ेगा, ये पैटर्न वर्क नहीं करने वाला है यहाँ पर, वी हैव टू मेक इट्स अरीना इमेज में यहाँ पर रॉयल रंबल का जो पेपर व्यू है, सॉरी सर रॉयल रंबल का जो यहाँ पर लोगो है उससे हमें करना होगा, थोड़ा इसे बड़ा करना होगा ताकि थोड़ा जो यहाँ पर अब ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग गुड, मटेरियल यहाँ पर स्टील करना है हमें, एंड आउटलाइन की कोई ज़रूरत तो नहीं है, पैटर्न अगर यहाँ पर कुछ हो सकता है पर यहाँ पर नहीं, हमें पैटर्न नहीं डालना है ना, इट्स ओके इन दिस। एंड अब जो है हमें टर्न बकल पैड यहाँ पर कलर ऑल ब्लैक में ठीक है, थोड़ा इसे डीप करना होगा, बस इतना ठीक है, एंड वी हैव टू सेट WWE लोगो यहाँ पर, ये नया वाला लोगो है एंड अब ये ठीक है, तो इसे रियल हिसाब से यहाँ पर थोड़ा हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर इतना, क्योंकि रियल में इतना ही बड़ा रहता है, सो इट्स ओके इन दिस, एंड पैटर्न का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, स्टील स्टेप्स ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, रिंग में हम लोग एक पीस छोड़ चुके हैं, एंड एप्रोन जो है एप्रोन वाला जो यहाँ पर है हम लोग का वो हम छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पर हमें अरीना इमेज डालना है रॉयल रंबल वाला, अगेन सिंगल वन, मटेरियल आई थिंक डिफॉल्ट ठीक है, यहाँ पर कलर यहाँ पर पैटर्न थोड़ा देखना होगा, रेड रेड या फिर ब्लैक में कुछ और पैटर्न यहाँ पर कुछ, आई थिंक ब्लैक में कुछ देखना होगा जो कि सूट करे इस चीज को, एंड आई थिंक
फर्स्ट वन यहाँ पर एक ब्लैक था, दिस विल बी गुड, ये ठीक होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अगर आप लोग कुछ और डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मुझे ये ठीक लगा रॉयल रंबल का स्पीच के हिसाब से। एंड स्टील स्टेप्स ठीक है, रिंग साइड एरिया पर जाते हैं अभी। फ्लोर मैट हमें मॉडर्न में डालना है, यहाँ पर मॉडर्न मॉडर्न में ठीक है। बैरिकेड हमें थोड़ा चेंज करना है, सॉरी बैरिकेड ठीक है, बैरिकेड इज ठीक है। यहाँ फेंस नॉन लाइट लाइट लाइट, ये ज़्यादा चौड़ा होता लेकिन उतना चौड़ा भी नहीं करना है हमें यहाँ पर आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। अनाउंस टेबल, यहाँ पर डबल टेबल का हम लोग यूज़ करेंगे, डबल टेबल अनाउंस टेबल यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड ऑल ग्रुप्स पर पहले डाउन सेट कर लेते हैं यहाँ पर, कभी भी डाउन पहले आप लोग सेट कर लेना अगर आप लोग क्रिएट कर रहे हो तो, क्योंकि जो यहाँ पर जो कलर है वो हमेशा फिक्स एंड रियलिस्टिक लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो जो कभी भी उस चीज़ का चमक है वो चमक रहना चाहिए, ताकि हमेशा जो है वो ठीक सेट आ पाए यहाँ पर। रॉयल रंबल कलर इतने में ठीक है। मटेरियल यहाँ पर मैट करते हैं, यहाँ पर मैट इन डिफॉल्ट में ठीक है। इमेज में जाते हैं एंड एरिना इमेज, फिर से एरिना इमेज को यहाँ पर रॉयल रंबल में सेट करेंगे यहाँ पर। ये अब ठीक लग रहा है, थोड़ा न्यू टाइप से लग रहा है। तो अनाउंस टेबल भी हमारा हो चुका है रेडी, एंड डबल टेबल ऑप्शन भी सही है। एंड बैरिकेड में हमारा एक चीज़ मिसिंग है, डिफॉल्ट में जाएंगे, कलर को थोड़ा ब्राइट करेंगे यहाँ पर हम लोग, नॉट टू मच, हल्का सा यहाँ पर ब्राइट करेंगे। एंड इमेज में बैरिकेड कॉर्नर यहाँ पर एरिना इमेज रॉयल रंबल को फिर से यहाँ पर डालना है। एंड नाउ आई थिंक वी आर सेट, तो अब ये बिल्कुल भी रेडी है यहाँ पर। मटेरियल थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि परफेक्ट एकदम लगना चाहिए यहाँ पर। लेदर में रखेंगे ताकि थोड़ा लेदर ही फील हो इसमें आई थिंक, डिफॉल्ट लेदर यहाँ पर ठीक है, लेदर पेंट है तो लेदर पेंट के हिसाब से हम लोग इसे सेट करेंगे। नाउ इट्स ऑफिशियली ओके, एंड देखें हम लोग आई थिंक यहाँ पर रेडी हैं। तो रिंग पर एक बार फिर से जाते हैं, एंड यहाँ पर जो लाइट्स हैं रिंग लाइट्स आई थिंक यहाँ पर स्टील स्टेप्स रिंग लाइट्स मूवीज एंड लाइटिंग में यहाँ पर जाते हैं, रिंग मूवी एंड मूवी ठीक है, रिंग लाइटनिंग यहाँ पर जो है ऐड करेंगे। और यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर थर्ड ग्रुप में येलो, येलो हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर येलो नहीं था, लास्ट एक और कलर यूज़ करना है। एंड फोर्थ ग्रुप में आई थिंक यहाँ पर फोर्थ ग्रुप में
फोर्थ ग्रुप यहाँ पर हमें वाइट करना है। चलो यहाँ पर ऑलमोस्ट वी आर सेट, एंड एरिना नेम वगैरह यहाँ पर अब सेट करना है हमें। तो कस्टम एरिना यहाँ पर रॉयल रंबल 2024। ऑब्वियसली हम लोग 2024 का ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग इसे यही नाम देंगे। यू आर अबाउट टू सेव, एंड इसे हम लोग और कस्टम एरिना कम्युनिटी कंडीशन में यूज़ कर सके। इसके लिए आप लोग को सेलेक्ट यस करना है। जैसे कि मैं ट्यूटोरियल नहीं दिखा रहा, एक्चुअली मैं ट्यूटोरियल भी आप समझ सकते हैं। एंड शो नेम रॉयल रंबल 2024 हो गया। स्टैंडर्ड रेफरी यहाँ पर हम इसे दे देते हैं। स्क्रीन फिल्टर कुछ नहीं चाहिए, वरना आप लोग का जो ग्राफिक है, मतलब ग्राफिक नहीं, एक्चुअली जो सिनेमैटिक व्यू है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन रॉयल रंबल का कर देंगे, एंड रीप्ले जो रॉयल रंबल का कर देंगे। यहाँ पर सारा जो है वो रॉयल रंबल में सेट करना है। सिर्फ वाटरमार्क डिज़ाइन और कुछ जो है यहाँ पर जो जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को आप लोग चेंज करना, और कुछ मत करना। यहाँ पर रॉयल रंबल का इमेज वो करना है, और तो यहाँ पर ट्रॉपिकाना फील्ड इन पिट्सबर्ग फ्लोरिडा में जो रॉयल रंबल है वो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर उसी को एक बार ढूंढते हैं। यहाँ पर फ्लोरिडा में, एक्चुअली फ्लोरिडा यहाँ पर फ्लोरिडा ऊपर होना चाहिए। फ्लोरिडा पिट्सबर्ग, वेयर इज पिट्सबर्ग, यस सेंट पिट्सबर्ग फ्लोरिडा यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम लोग इसी को सेट करते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये एक्चुअली शो नहीं होता है, बट हम लोग कर रहे हैं इन समहाउ, पर अगर ले ले तो अच्छा बात है। तो यहाँ पर कमेंट्री हम लोग को रॉयल रंबल करना है, एंड ऑल थिंग्स आर यहाँ पर रेडी। सो नाउ वी आर सेविंग दिस, एंड अब हम लोग यहाँ पर एरिना जो हमने क्रिएट किया है उसे हम लोग लेते हैं, एंड देखते हैं यहाँ पर कैसा लगता है यहाँ पर एंट्रेंस वगैरह सारा चीज़। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैच टाइप विथ पायरो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। वन ऑन वन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं, नॉर्मल वगैरह। एरिना जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है इसे हमें सेट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी को भी ले लेते हैं, रैंडी ऑर्टन वगैरह किसी को भी एंट्रेंस देख लेंगे, एंड थोड़ा आउटर व्यू लेंगे। आप लोगों को जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। रोमन रेंस, एड मैनेजर, पॉल हेमन विथ चैंपियनशिप एंट्रेंस। एरिना के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन इज एंटरिंग द रंबल। भाई जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो उतना बेहतर नहीं लग रहा था, बट अभी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड मेकिंग हिज वे टू द रिंग रिप्रेजेंटिंग RK-Bro फ्रॉम सेंट लुइस मिजूरी, जो साइट का जो स्टेज प्रॉप्स है वो एक्चुअली अगर थोड़ा लाइटिंग रहता तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता। काफ़ी बिग स्टेडियम है ट्रॉपिकाना फील्ड, पिट्सबर्ग फ्लोरिडा। एंड आपको ये स्टेज कैसा लगा भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट मुझे कर देना। इस स्टेज पर हम लोग एक वीडियो भी लाएंगे।
जो यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर जो स्टेज का कंस्ट्रक्शन खड़ा है यहाँ पर, इसमें थोड़ा और लाइटनिंग होता तो अच्छा लगता, बट ऐसा WWE वालों ने ही नहीं दिया है तो मैं कहाँ से लाऊंगा। लाइटनिंग थोड़ा देना चाहिए था। बाकी स्टेज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और स्टिल वेटिंग फॉर द ट्राइबल चीफ एंट्रेंस, लेट्स सी विथ हिज मैनेजर पॉल हेमन, एंड ऑब्वियसली नाइट टाइम है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हियर कम्स द बिग डॉग, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, With his manager Paul Heyman। और ये जो मैंने अंदर जो एक बैरिकेड टाइप का दिया है वो इसलिए दिया है कि थोड़ा लुक्स जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे, इसलिए मतलब एंट्रेंस का कोई एरिना का जो लुक है वो रियलिस्टिक लगे, इसलिए मैंने दिया है इस चीज़ को ऐसे। तो स्टेज जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। And his opponent, accompanied by their special counsel, Paul Heyman, representing the Bloodline from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds. Oh, championship belt में लेकिन RKO Randy Orton का logo लगा हुआ है। Champion Roman Reigns. It's looking very awesome. The stage. आप लोग को एक सैटेलाइट व्यू, मतलब एक्चुअली हेलीकॉप्टर शॉट या सैटेलाइट व्यू कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप लोग को मैं दिखाऊंगा जरूर से यहाँ पर। वेट फॉर द एंट्रेंस। ऐसा लग रहा है भाई रियल में कहीं रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाए। एंड आई थिंक मैं बहुत दिनों के बाद कोई क्रिएशन वीडियो ला रहा हूँ चैनल पर, क्योंकि लास्ट मैंने अटायर का जो What a look! फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर सैटेलाइट व्यू लेते हैं यहाँ पर, ताकि स्टेज का जो फुल लुक है वो अच्छे से हम लोग देख सके यहाँ पर।
भाई लुक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेज है वो मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। इससे भी पीछे जा सकते हैं हम लोग या फिर नहीं, सीधा लुक एक बार पूरे स्टेडियम का। ऊपर काफ़ी जो सीट्स है वो एक्चुअली खाली है एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो WWE वाले हैं, यहाँ पर आई थिंक स्टेडियम पे ऊपर भी लोगों को ऐड ज़रूर करना चाहिए।